always think of you when spring comes. Hi, good morning guys. Actually, good afternoon हो गया, मतलब हमको निकलते निकलते टाइम ऑलरेडी बच गया यहाँ से. तो आज हम जा रहे हैं काइवी बाय एम्पीरियन. हमने टिकट ऑलरेडी ले लिया, अभी यहाँ से सीधे हम जाएंगे गंडोला राइड के लिए. तो अभी हम जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं, नेक्स्ट आपको वहीं मिलते हैं. This feel is amazing. So finally हम लोग हैं गंडोला के बीच में. इस समय ये तकरीबन 849 मीटर की लेंथ है जहाँ पे हम जा रहे हैं. इस समय हमें ऑलमोस्ट 10 मिनट लगने वाले हैं यहाँ से. और ये एशिया का हाईएस्ट गंडोला है, जो कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है नीचे से वो है 65 मीटर्स. और इसके जो टावर्स हैं वो ऑलमोस्ट 8 टावर्स है जिसके बीच में ये गुजरता है. यहाँ से लेके जहाँ पे हम जा रहे हैं इस समय वो है संगेत वैली. संगेत वैली से अगर आप एक्चुअली में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे ना तो 1.5 आवर्स का डिस्टेंस बनता है. यहाँ से हमको हार्ड ही 10 मिनट लगने वाले हैं. और इस समय यहाँ पे हम बस दो लोग हैं और हमको डर लग रहा है कि हम यहाँ से वहाँ सीट नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज सीट चेंज की तो कहीं इम्बेलेंस ना हो जाए. बट ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन तब भी हम चांस ही लेना चाहते हैं. इन्होंने यहाँ पे ना कुछ वेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ से हवा आ रही है बट उसके ऊपर ग्लास है तो इसलिए वहाँ से स्ट्राइक करके थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके आ रही है. हमको वो हवा फील हो रही है और वो आवाज भी आ रही है. यहाँ नीचे भी इसके वेंट्स है, यहाँ भी इसके वेंट्स है, वहाँ भी है. मुझे गिरा दूंगा. उन्होंने हमको उठने से मना किया है, लेकिन मैं नीचे देखने की कोशिश कर रहा हूँ. नीचे कहीं तो पानी जा रहा है वाटरफॉल टाइप का. दिस इज माय मॉम एंड डैड, आपको यहाँ पे आने ही आना है. मैं काफी देर से आपको बोल रहा हूँ बट आप लोग मान नहीं रहे हो, बट ये चीज आपको अच्छी नहीं चाहिए. हेलो सर जी, गुड आफ्टरनून. How are you? Just अभी गंडोला से लैंड हुआ हूँ. अच्छा आप मुझे दिख रहे हैं वहाँ पर, मैं आ रहा हूँ. कॉफीज है, हर मौसम एकदम बारिश वाला हो गया. इस बारिश वाले मौसम में हमारा जो एडवेंचर एक्टिविटीज का फन टपल होने वाला है. तो माय कॉफीज है, मैडम की चाय आ गई है. जब हम बैठे हैं यहाँ का एम्बियंस इतना ब्यूटीफुल है. अभी एक्चुअली में टाइम को 3:30 के अराउंड हो रहा है, तो वे आर थिंकिंग कि हम कुछ यहाँ से खा भी लेते हैं. कुछ खाते हैं, खाने के बाद में फिर स्टार्ट विद आवर एक्टिविटीज. अभी हमने लंच किया, लंच करने के बाद में अब हम जा रहे हैं अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ की तरफ. वो रही वो जिप लाइन, अमेजिंग लग रहा है. बहुत तेज़ तेज आ रहे हैं वो लोग. इट्स अ जिग जैग जिप लाइनर और इसमें तकरीबन 9 पोल्स हैं. हम शायद एक पोल से वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और वो पूरा इन्वर्टेड होके पूरे 9 पोल से देन फाइनली एक जगह जाकर वहाँ पर देखने कैसे लोग खड़े हैं. तो अभी हमने पता किया है यहाँ पर 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं. एक तो वो जिग जैग, देन देर इज़ अ मैजिक कारपेट, और उसके अलावा एक है क्या था वो क्यूबिंग, ट्यूबिंग और क्यूबिंग. हाँ ट्यूबिंग आई थिंक. तो लेकिन उसके लिए क्या होगा कि हम 3 में से 2 ही एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, बिकॉज 2 एक्टिविटीज़ ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे से ऊपर बस एक ही जा रही है, दैट इज़ मैजिक कारपेट. तो हम सोच रहे हैं मैजिक कारपेट से हम ऊपर जाएंगे और जिगजैग से नीचे आ जाएंगे. हम वहाँ से आए थे, वो जो गंडोला वहाँ पे चल रहा है वो रहा गंडोला, वो गया था ऊपर से आए थे हम, बहुत ऊपर से वहाँ से नीचे. देन हम यहाँ से नीचे चलते चलते अभी हम वहाँ से ऊपर आ रहे हैं वाया मैजिक कारपेट, और ये मैजिक कारपेट हमको वहाँ पे लैंड कराएगा. उसके बाद में हम जाएंगे इस साइड, यहाँ से हमारा जिप लाइन स्टार्ट होगा. ये जो आप 9 ये जो पोल्स देख रहे हैं आप अलग अलग, हम उसमें जाएंगे.
हमारे मैजिक कारपेट यहाँ पे खत्म हो गए, अब हम जा रहे हैं हमारे जिप लाइन की तरफ। ओके सो वी आर ऑल गेयर्ड अप फॉर जिप लाइन, विश अस लक। मेरे को इसको ज्यादा, हाँ इसको ज्यादा खतरा है। बट नहीं, मुझे लग रहा है मेरे से पहले ये पहुंच जाएगी। पहले हमारा टॉप बैट्समैन जा रहा है सो दैट ये हमको कॉन्फिडेंस दे पाए, ओपनिंग बैट्समैन। तो यू आर रेडी? यस। चल गो। और ये पहली बॉल पे सिक्सर। नाइस यार, चलो मैं भी आया। तो हमारा ओपनिंग बैट्समैन हमने पहले भेजा है, वो तो आगे पहुंच चुका है। अब नेक्स्ट मैं वन डाउन गया हूँ, मैं उनके जाने के बाद में आगे जा पाऊंगा। हमारी पिच क्लियर है, अभी हमको जाना चाहिए। हमारी बहादुरी का हमको एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है जो हम जिप लाइन करके आए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द डेयर डेविल सर्टिफिकेट, वी आर द डेयर डेविल। वाओ, दिस इज द सर्टिफिकेट दैट सुरेश कुमार इज नाउ अ प्राउड मेंबर ऑफ डेयर डेविल क्लब। हमने जिगजैग लाइन कंप्लीट किया। मैडम को भी दो यार, मैडम ने कंप्लीट नहीं की। मैंने कंप्लीट, ऐसी बात नहीं है, मैडम ने भी किया। एक्चुअली मैडम को ना फाड़ के दो, मैडम का आधा हुआ है। यस शाबाश। इसको ऐसे फेंको ऊपर, डायरेक्ट टोपी फेंकते, विक्ट्री। चलो नाउ दैट वी आर सर्टिफाइड, अब इसको सेलिब्रेट करने का टाइम आ गया है। अभी हम जाते हैं कॉफ़ी पी के हम सेलिब्रेट करेंगे। सो वी आर डन फ्रॉम हियर, हमारा फाइनल कॉफ़ी भी हो गया, यहाँ पे हमारा सब एक्टिविटीज़ हो गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं। बट जाने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर अतिकुर रहमान जी, यू आर अ ग्रेट होस्ट। हमको कोई इशू नहीं आया यहाँ पे, इनफैक्ट हमारे आने से पहले ही इनको पता था कि हम यहाँ पे आ रहे हैं और ऑलरेडी सारे अरेंजमेंट्स हो चुके थे। सो कभी नेक्स्ट टाइम आप भी कभी आ रहे हो तो आप इसे डू कॉन्टैक्ट करिए। एंड थैंक यू सो मच, ठीक है, हमको बहुत मज़ा आया यहाँ पे। थैंक यू सो मच। हाँ, ख़त्म होते हैं हमारे दो दिन, अब वक्त है यहाँ से निकलने का और इस खूबसूरत मौसम को बाय बटाटा बोलने का। तो हम निकलते हैं और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में विद आवर नेक्स्ट लोकेशन। तब तक के लिए दिस इज सुरेश साइनिंग ऑफ। जाने से पहले एक्चुअली में मेरे साथ में है दिलीप, जिनके कारण मैं यहाँ पे स्काईव्यू पटनीटॉप में आया था। मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम अपने पटनीटॉप की विजिट पे आया था तो ये मुझे वहाँ पे मिले थे, तो इनके रिकमेंडेशन पे ही मैं यहाँ पे आया था। सो मैं चाहूंगा कि ये खुद बताएं कि भाई ये जो स्काईव्यू पटनीटॉप है ये क्या एक्टिविटीज है, कितने डिफरेंट तरह के यहाँ पे एडवेंचर्स होते हैं और किस तरह अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे तो वो आ सकता है। यस, मैं आपको ये स्काईव्यू बाय एम्पायरन के लिए बताऊंगा। ये सर अभी त्रिनेत्र होटल में रुके हुए हैं, तो स्काईव्यू एम्पायरन जहाँ से 1.5 किलोमीटर तक ही है। तो ये स्काईव्यू टेरेस है, आप स्काईव्यू टेरेस पे जाते हैं जहाँ पे टिकट काउंटर है, तो गोंडोला में बोर्ड करेंगे और जाएंगे नीचे स्काईव्यू वर्ल्ड में। स्काईव्यू वर्ल्ड में हमारी एक्टिविटीज चलती हैं, जैसे एशिया का फर्स्ट लॉन्गेस्ट जिप लाइन है जिगजैग वे में 590 मीटर का। उसमें क्या, पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग जब आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी तो बाद आपने खुद से करना है। तो जिप लाइन अक्सर क्या होता है, एक पोल से दूसरे पोल पे होती है, लेकिन हमारे पास 9 पोल में होगी। उसके बाद हमारे पास मैजिक कारपेट है, मैजिक कारपेट लाइक एक्सलेटर है, आपने क्या करना है उस पर खड़े रहना है, वो आपको प्लेटू तक ले जाएगा और प्लेटू से बाकी एक्टिविटीज शुरू होंगी। उसके बाद हमारे पास ट्यूबिंग है, ट्यूबिंग के अलावा हमारे पास माउंटेन बाइकिंग कराते हैं, हाइकिंग ट्रेल्स कराते हैं, हमारे पास रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, बनाना लीफ अकोमोडेशन पैकेजेस भी देंगे हम। फिलहाल के लिए हम स्काईव्यू पार्टनर एक्सपीरियंस में अपने गेस्ट को रुकवा रहे हैं। तो अभी इन्होंने जैसे बताया ना, जो चार तरह की इन्होंने एक्टिविटीज लिस्ट डाउन की ना, सो इन चारों के अलावा यहाँ पर हमारे माउंटेन ट्रायल्स भी हैं, हमारे पास में साइकिलिंग है एंड कैंपिंग भी है। और ये जो कैंपिंग वगैरह ये अभी आई थिंक ऑपरेट नहीं हुई है, कैंपिंग अभी शुरू होने वाली, अभी शुरू होने वाली है। मतलब जैसे सर्दियाँ आ रही है तो वहाँ पे कैंपिंग का मजा और दुगना होने वाला, बिकॉज ये जो जगह ये पूरी जिस तरह आपको ये ग्रीनरी दिख रही है उस समय पूरी व्हाइट होगी। इस टाइम पे आने का तो मजा वैसे कुछ अलग ही होगा, तो उस टाइम पे एक्चुअली मैं फिर से प्लान करूंगा, फिर से आऊंगा। और मैं तो इनफैक्ट जब भी मैं आऊंगा मैं तो इन्हीं के थ्रू आऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच दिलीप, बहुत मजा आया, ठीक है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, यू आर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।